हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज भी उठने में काफ़ी लेट हो गया। सुबह अलार्म बजता गया 5 बजे, लेकिन मैंने बंद कर दिया और मैं सो गया। फिर अब मैं उठा हूँ 11 बजे। मैं उठ गया था 8 बजे। लेकिन कोशिश रहेगी सुबह जल्दी उठने की, डेली कोशिश करते रहेंगे। बाय द वे, इसकी ट्यूशन क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है और आज मैं पीयूष को मिलवाने वाला हूँ इसके वन ऑफ हिज फेवरेट यूट्यूबर से, गेमर फ्लीट। तो देखता रहता है उनकी वीडियोस, वो यहीं रहते हैं हल्द्वानी में, अभी तक हम मिल नहीं पाए, हमारी बातें तो होती हैं। तो आज का प्लान है, शाम को कहीं जाएंगे पहाड़ की साइड और थोड़ा बहुत चिल करेंगे। पीयूष को मिलवा दूंगा। इसमें है क्या? अरे वाह। तो आज सुबह सुबह उठते इतनी मस्त गुड न्यूज़ मिली, पेपर में नाम आया, छोटे से आइडिया से सौरभ जोशी बने इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर। तो इसमें पूरा आर्टिकल है पेज पे, जो कि आप पढ़ सकते हैं अमर उजाला के न्यूज़पेपर में, एंड पीयूष भी है इसमें। पीयूष का कल इंटरव्यू हुआ था, कैसा लगा वैसे? मजा आया? हाँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हल्द्वानी की मीडिया भी हमको सपोर्ट कर रही है, यहाँ के काफ़ी बड़े बड़े लोग हमारे टच में हैं और काफ़ी मतलब सपोर्ट मिल रहा है। इवन उत्तराखंड पुलिस से काफ़ी लोग देखते हैं और उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट से काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोगों से बात होती है मेरी। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, बड़े बड़े लोगों तक हमारी वीडियोज जा रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी और हमारे प्लान बन रहे हैं अभी जाने का कहीं मस्त जगह पे, तो पीयूष भी चलेगा हमारे साथ में, तो उसके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सब कुछ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बस अच्छे से जाएंगे ना। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट लंच करते हैं। तूने करा था ब्रेकफास्ट? हाँ। मैंने तो नहीं करा, मैं तो उठा ही लेट था। तो आज खाने में बनाया चावल, दाल चावल। तो फिलहाल पापा जी सर्व कर रहे हैं सबको। फिलहाल अभी ओरियो भी आ चुका है यहाँ पे, और ये दाल चावल खाएगी, कितना मासूम सा हो गया देखना। हेलो कर दे, हेलो 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 करो, हेलो और हेलो हेलो। अच्छा मेरे को भी दियो रे। तो गाइज, आज वाली वीडियो भी ट्रेंडिंग में आ चुकी है, टोटल 14 वीडियोस हो चुके हैं हमारी ट्रेंडिंग में। अब तो मतलब हर व्लॉग में यही बोलेंगे, कल ये बोलेंगे कि 15 हो चुकी हैं, उससे अगले दिन 16, देखते हैं कब तक ये बोल पाते हैं हम। तो फिलहाल खाना हो गया, फिलहाल मैं जा रहा हूँ पापा जी के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट काम था डॉक्यूमेंट वगैरह का, वो करके आएंगे, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, चल तू भी चलेगा ना? वहाँ जा रहे हैं आज गेमर फ्लीट से मिलने। अरे ये क्या कर दिया? अरे सारी दालें सब कुछ, ये क्या कर दिया? सुखा रहे हैं क्या? अच्छा ये डब्बे वब्बे धोए होंगे ना। तो फिलहाल थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं सूप बनाता हूँ। कौन सा पिएगा बता, टमाटो या कॉर्न? कॉर्न। और फिलहाल साहिल बना रहा है चाय हमारे लिए और हम सूप बना रहे हैं, एक ही में से पी लेंगे तीनों भाई। मैं नहीं पी रहा। अच्छा अपन दोनों। तो अभी हमारा सूप रेडी हो चुका है, देखिए कुछ इस प्रकार का लग रहा है। रेडी नहीं है, पानी तो डाला था उसमें। कैसा हो रहा है? मस्त हो रहा है ना? मैं तो दूसरे टाइम ले आया, थोड़ा सा बचा कर खाना तो और ले लियो। बाकी आज साहिल भी ट्राई कर रहा है सूप फर्स्ट टाइम के, मस्त हो रहा है ना? तो फिलहाल मम्मी जो है अभी चावल को साफ कर रही है, चावल के अंदर काले काले दाने हैं, दाल है वो। दाल के बताने। चलो चलें क्या? चलें। अरे अरे रुको रे, थोड़ा रेडी हो लो। भाई ये सही सीन था। तो फिलहाल गाड़ी में ही चलते हैं, तो एक काम करते हैं हम ओरियो को भी ले चलते हैं, बहुत दिन हो गए घुमा नहीं है भाई, ये घर में ही है बहुत दिनों से। पीछे ओरियो को ले जाएंगे क्या? ओरियो को ले चलते हैं। चलो। ओरियो खुश हो गया भाई? साहिल। ओरियो को ले जा रहे हैं हम। साहिल जी बोतल है, बोतल है इसमें। हाँ बोतल है। क्यों? पानी भर लाओ। पानी है उसमें, पानी भी है। इसका बर्तन देती हूँ मैं इसको, तुम्हें पता है थोड़ी सी मैं पानी पीता हूँ। देख लो मम्मी ऐसे नहीं भेजती कभी भी ओरियो को, उसके पानी का ख्याल रखती है सब कुछ। गाड़ी में जा रहे थे, हम नहीं आ सकते, हम भी आ जाते। चलो चलो, जा रहे हो? हम गेबर फीड के घर पे जा रहे हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर। फिर पहले क्यों नहीं बताया तूने? जाए? या तो पहले बोलता, आप तो भाई ऐसे थोड़ी आएंगे, हम तैयार भी होएंगे होएंगे। हाँ तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं। दो ना लगे बेटा, 10-15 मिनट तो लगते ही हैं। पीयूष बहुत, अगर कहीं जाना होगा उस समय नहीं कहेगा हमको, जिस समय कहीं जाना होगा ना उस समय कहेगा। यार मम्मी यार मुझे क्या पता आप आओगे, जल्दी चला यार, छोड़ो मम्मी को, जल्दी चला। एक्साइटमेंट तो इसको हो रही है। तो यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर, हमको 30 मिनट लगेंगे जाने में। ये रोड आपको मेरे व्लॉग में रोज दिखती होगी जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि एक ही रोड है मेन रोड दिल्ली वाली। तो गाइस यहाँ पे तो बारिश स्टार्ट हो गई है, ओरियो को अंदर कर ले, ओरियो को भीग जाएगा वो। इस साइड ना हमेशा बारिश होती रहती है, बिकॉज इस साइड पहाड़ है ना, हमारा घर थोड़ा पहाड़ से अलग साइड है, वहाँ पे बारिश कम होती है। अच्छा हुआ जो हम गाड़ी लेके आए हैं, बाइक में प्लान था वैसे, बाइक में आते तो भीग जाते पूरा। पापा जी और मैं सुबह भी यहीं से आए थे बाइक में, यहीं पर भी देखियो अपना घर आएगा यहाँ पे ना, उसका नाम है अपना घर, एक घर का नाम है अपना घर, अभी दिखाता हूँ। हाँ वो अपना घर नहीं है लेकिन उसका नाम है अपना घर, ये रहा अपना घर, ये देख ये अपना घर। तो यहीं कहीं पे है उनका घर, लेकिन हमको मिल नहीं रहा कहीं,
या तो इधर होगा, मेरे को तो इधर लग रहा है। तो मैंने उनको बोला है वो लेने आ रहे हैं वैसे। तो भी हम आपको वेट कर रहे हैं। नहीं, हम खुद वेट कर रहे हैं। अब वो गेमर फ्लीट का घर पता है? गेमर फ्लीट का नहीं पता। बस ये पता है कि हमें नहीं पता गेम मेरे हाउस का। वो मैं क्या फोटो ले सकते हमारी पासवर्ड क्लिक कर रहे हटा मुझे आपके साथ भी ले लिया फोटो। हाय अरे अरे हाय अरे मेरे को तो मिलाने दे हाथ। छोड़ो यार मेरे को तो मिलाने दे। वीडियो देख रहे हैं? देख रहा आजकल देख रहा यार। वीडियो आप ही की देखता रहता है ये बस। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं इनके घर पे। और इनका घर ऐसी जगह है ना, हमको इतनी मुश्किल आई है इतने यहाँ पर आने में। अब यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत आ रही है, अगर कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो उनको इतने में से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर ओरियो हल्ला मचाने में लगा। चलो होगी पार्क, इतने में से निकलना पड़ेगा जो भी निकलेगा भाई। अब सर जोशी अपनी ग्रैंड एंट्री करोगे साइड वाले घर में? चाय तो पी ले, बात करते रहियो बात। तो भाई सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलने के लिए तभी मिलेगा जब चाय पी जाएगी। क्या सीरियस टॉक चल रही है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बातें क्या कर रहे हैं गेम की। अब पढ़ाई करी अच्छे से? मिलवा दिया तेरे को, मिलवा दिया। हाय सारा भाई को घेर लिया पूरा वहाँ पे। हाँ ना, आपको बुला रहे, पीयूष को भी बुला रहे। पीयूष आ जाओ, आपको भी बुला रहे हैं। तो अभी हम अंशु भैया के घर पे आए थे, तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए आगे बाहर। आपको पता कैसे लगा मैं यहाँ पे आया हूँ? थैंक यू। काफी रिलेट करते हैं तो अच्छा सा लगता है कि हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए भाई यार। सही में बताए चीजों ने जिंदगी बदल दी यार। हाँ लोगों ने
आप लोगों ने मतलब ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते, दिन रात एक हो जाती है। जैसे आप सुबह से निकले हुए हो, अभी भी बाहर ही हो, व्लॉग ही कर रहे हो, तो दिन रात एक हो जाती है, बट एटलीस्ट अभी ठीक है ना, अभी फल भी मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऊपर से ये भी उत्तराखंडी है, पहाड़ी है भाई, ऊपर से कम हो रहा है तो दोनों अल्मोड़ा से है। अरे हाँ, दोनों अल्मोड़ा से, हमारा गाँव एक ही है। चले औरी, चले फिर हम। हाँ ना, मतलब आपकी मर्जी है। नहीं हम चलते हैं, देखो रहना ही रह सकते आप। नहीं फिर मिलते रहेंगे, पास ही तो रहते हैं। डन है, चल फिर प्लीज चल, अब आप आना हमारे घर, ठीक है? डन है भाई, आप बताओ बस जिस दिन भी फ्री हो गए। बाय, हो गया खुश? यस। और ये हो गया खुश? रात को ड्राइव करने में मजा ही अलग आता है। फिलहाल अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की। चार कदम बस, चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। तो गाइस बारिश काफी तेज हो चुकी है एंड ओरियो भीग गया है, विंडो खुली रह गई थी, पता ही नहीं चला यार। तो फाइनली घर पहुंच गया, मम्मी जी खाना बना दो, भूख लग रही है बहुत। क्या बना आज? लौकी, लौकी की सब्जी एंड रोटी। तो खाना रेडी हो चुका है, लौकी रोटी, और आज हम टेबल पे ही खा रहे हैं बिकॉज मम्मी पापा ने तो पहले ही खा लिया था। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 12:46, एडिटिंग हो चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और आज अंशु भाई घर पे जाके बहुत मजा आया। आज तो ओरियो को भी घुमा के लाए हैं। ओरी कैसा लगा, मजा आया? तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दाल चावल खाएगी वरी? खाऊंगा। नहीं खाऊंगा क्या यार, जब से और ये दाल चावल खाएगी।